स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी पर। दोस्तों आज मैं आपको एयरफोर्स रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा। यदि आपने इसके पहले पार्टों को ना देखा तो उसको जाके अभी विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए पहला दिया गया है क्या, देखिए ज़रा, वन हु वेस्टेज हिज टाइम विदाउट एनी जॉब। इसका हिंदी में देखिए क्या है, आलस में समय बिताने वाला, तो इसका क्या होता है, आइडलर होता है, आइडलर, IDLER, ठीक है, आइडलर होता है। नेक्स्ट दिया गया है आपका एग्जामिनेशन ऑफ वंस थाट्स और एक्सपीरियंस, ठीक है, तो इसका क्या होता है आपका हिंदी में, अंतर परीक्षण या अंतर्दर्शन होता है, तो इंट्रोस्पेक्शन हो जाएगा इसका, इंट्रो हो जाएगा, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन हो गया, ठीक है, इसको ये स्पेलिंग देख सकते हैं। और नेक्स्ट दिया गया है द पॉलिसी ऑफ स्टैंडिंग ए कंट्री एम्पायर, किसी देश के साम्राज्य को बढ़ाने की नीति, वो आपकी क्या कहलाती है आपका, देखिए जरा, ये होगा इम्पेरियलिज्म हो गया, इम्पेरिया, ठीक है, इम्पेरियलिज्म हो गया। नेक्स्ट दिया गया है पर्सन हु पोजेज हिमसेल्फ एज समवन ही इज नॉट, हिंदी में देखिए, व्यक्ति जो स्वयं को उस रूप में प्रस्तुत करे जो वह नहीं है, तो उसको होता क्या है, इम्पोस्टर होता है, IMPOSTR, इम्पोस्टर होता है इसका अर्थ हिंदी में, इंग्लिश में देखिए इम्पोस्टर है। और देखिए क्या है, वन हु ट्रैवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब स्थान, ट्रैवल माने यात्रा करना है, भ्रमण करना होता है, स्थान पर भ्रमण करने वाला, तो इटिनेरेंट हो जाएगा, IT, NERANT, ठीक है, आर के बाद ए आएगा आपका, आपका इरर क्वेश्चन में आया था ये, तो इरर में आपका ई लिख के आया था, आप इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया गया, ए साउंड डैट कैन नॉट बी हर्ड, हर्ड माने देखिए क्या हो गया यहाँ पे, साउंड माने जो ध्वनि होती है, हर्ड माने सुना ना जा सके, कैन नॉट मतलब नहीं, तो जो आवाज़ होती है ध्वनि सुनी ना जा सके, तो उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो उसको इनऑडिबल कहते हैं, IN AUDIBLE, इनऑडिबल कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया आपका इनकेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड माने मरम्मत होता है, और कैन यहाँ पे लिखा है बीइंग, ठीक है, तो जिसकी मरम्मत ना की जा सके, तो इसको क्या कहते हैं आप देखिए जरा, तो इर पैरालेबल कहते हैं, IRRE इर हो गया, फिर पैरालेबल PARABLE, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया गया आपका, ठीक है, चलिए ये ए होम फॉर ओल्ड पर्सन्स, वृद्धों के लिए घर, जो बूढ़े होते हैं उनके लिए घर, तो क्या कहते हैं, इनफायरमरी होता है, MARY होता है। नेक्स्ट दिया गया आपका मर्डर ऑफ एन इन्फांट, जो शिशु हत्या होता है, छोटे से बच्चे की हत्या करना, ठीक है, तो इसका इन्फेंटिसाइड होता है, IN हो गया, FAN हो गया, TICIDE, ठीक है, यहाँ पे C होता है, ध्यान रखिएगा, इरर में आपका S लिख के आया था, ये अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस्ड, जिसको अभ्यास में न लाया ना जा सके, तो क्या होता है, इम्प्रैक्टिकेबल होता है, इम हो गया, फिर प्रैक्टिकेबल, KACABLE, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ए पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर ऑर्डर टू सेटल देयर, देशांतर में जाकर बसने वाला या अप्रवासी होता है, तो उसको इमिग्रांट कहते हैं, ठीक है, IMIGRANT, इमिग्रांट होता है। नेक्स्ट है दिया गया आपका लाइव एबल टू कैच फायर इजली, आसानी से आग पकड़ने वाला ये ज्वलनशील, तो इन फ्लामेबल होता है, इन हो गया, FLAMABLE, इनफ्लामेबल हो गया, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे MM आता है, इरर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया गया ए पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन टू रिजाइंस और गवर्नमेंट्स, दो सरकारों या शासनों के मध्य का समय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है, ये बहुत लोगों को ध्यान नहीं रहता, ये याद रखिएगा, क्या है स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटर के बाद RR आएगा, ठीक है, NUM होता है, फिर ANUM होता है, ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग आप इसका दे सकते हैं, INTERRE होता है, यहाँ पे E भी होता है, और GNUM,
ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी से बने रहिएगा।